Hello parents and my dear students, welcome to Erudat School of Learning, Fatehnagar, mobile number 7568077458. Class 5, Subject English, Chapter 11, Lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. इस lecture के दौरान अगर आपको कोई doubt है तो वो doubt आप अपनी notebook में लिख लीजिए. जब भी आपके schools reopen होंगे तो वो doubt आप अपने related teacher से clear कर लीजिएगा. Now students, in the previous lecture we were done with chapter number 10. And in this lecture, we have to start chapter number 11. So take out your books and turn to page number 186. Okay, so here, take out page number 186, chapter number 11. It is titled as A Talkative Tortoise. A Talkative Tortoise. A Ek Talkative Batuni. टॉर्टोइज कछुआ. सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर का नाम है एक बातूनी कछुआ. ये चैप्टर एक कछुए के बारे में है जो काफ़ी बातूनी था. नाउ लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर. कमिंग टू द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर. ओके, लॉन्ग अगो देयर वर टू क्रेन्स नेम्ड संकट एंड विकट and a tortoise named Kambugriva. Now, what was the name of the tortoise? Kambugriva. And the name of two cranes were Sankat and Vikat. Their names were Sankat and Vikat. So, long ago, काफी समय पहले, there were, वहाँ थे, two cranes, दो हंस, named नाम थे संकट एंड और विकट एंड और अ टॉर्टोइज एक कछुआ नेम्ड नाम था कंबुग्रीवा. सो यहाँ कहा गया है कि काफ़ी समय पहले दो क्रेन्स थी वहाँ पर और एक कछुआ था. क्रेन्स के नेम थे, उनके नाम थे संकट और विकट, और टॉर्टोइस का नाम था कंबू ग्रेवा. दे वर गुड फ्रेंड्स. सो हियर इट इज सेड दैट दे वर गुड फ्रेंड्स. दे वे वर थे गुड अच्छे फ्रेंड्स दोस्त. सो स्टूडेंट्स, यहाँ कहा गया है कि वे तीनों ही काफ़ी अच्छे दोस्त थे. They lived near a pond. So, where did they live? They lived near a pond. So, in the story, it is said that they lived in the near a pond. They, we lived, रहते थे near, pass, a pond, एक तालाब के. So, students, यहाँ कहा गया है कि वे तीनों, कौन तीनों? संकट, विकट और कंबुग्रीवा. तीनों ही काफ़ी अच्छी दोस्त थे और तीनों ही एक तालाब के पास रहते थे. कंबुग्रीवा वॉज अ चैटर बॉक्स. नाउ हियर इट इज सेड दैट कंबुग्रीवा वॉज अ चैटर बॉक्स. कंबुग्रीवा वॉज था अ एक चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स बातूनी, जिसे बातें करना काफ़ी अच्छा लगता है, जो कंटिन्यूसली बातें करता ही रहे. दैट इज़ कॉल्ड चैटर बॉक्स. जिसको कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं गप्पे लड़ाते हैं, दैट काइंड ऑफ पीपल आर नोन एज चैटर बॉक्स. जो हद से ज़्यादा बातें करें वो कहलाते हैं चैटर बॉक्स. वन ईयर देयर वॉज नो रेन सो द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई. सो वन ईयर देयर वॉज नो रेन एंड द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई अप. वन ईयर एक साल, देयर वहाँ, वॉज थी, नो रेन
नहीं बारिश सो इसलिए द पॉन्ड तालाब स्टार्टेड शुरू हुआ टू ड्राई सूखने. सो इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक साल वहाँ बारिश नहीं हुई इस कारण वहाँ का तालाब सूखने लग गया. द क्रेन्स एंड द टॉर्टोइस वर वरीड एंड डिस्कस्ड अबाउट इट. सो हियर इट इज सेड दैट द थ्री ऑफ देम द फ्रेंड्स वर वरीड अबाउट दिस एंड डिस्कस्ड अबाउट इट. द क्रेन्स बगुले एंड और द टॉर्टोइस कछुआ वर थे वरीड चिंतित एंड और डिस्कस्ड चर्चा की अबाउट इट उसके बारे में. सो स्टूडेंट्स जब ये पॉन्ड सूखने लगा जिस साल बारिश नहीं आई और पॉन्ड धीरे धीरे सूखने लगा तो तीनों दोस्तों ने मिलकर इस पर चर्चा की क्योंकि उनको इस चीज़ की काफ़ी चिंता होने लगी क्योंकि वही उनका घर था वहीं से उनको खाना मिला करता था. सो स्टूडेंट्स नाउ कंटिन्यूइंग द चैप्टर लेट अस गो टू पेज नंबर 187. कम डाउन टू द चैप्टर पार्ट दैट इज ओके नाउ हियर हियर इट इज सेड व्हाट डिड दे डिस्कस. यहाँ कहा गया है कि वो क्या डिस्कस करते हैं. क्रेन्स व्हाट डिड क्रेन्स से क्रेन्स क्या कहती हैं. We have to go away from here. So, Crane say that we all must go away from here. We, hum, have, chahiye, to go, chale jana, away, dur, from here, yahan se. So, Crane kehti hain ki hume yahan se dur kahin chale jana chahiye. There is a big lake nearby. So, adding to this, they say, that there is a big lake nearby. There, वहाँ is, है a एक big, बड़ी lake, झील nearby, पास में ही. So, Cranes कहती हैं कि हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए और यहाँ पास में ही एक झील है. Let's go there. So, they say, let's go to that big lake. That is nearby to us. Let's. Chalo. Go. Jana. There. So, cranes kehti hain, chalo, wahan chalte hain. There, wahan. So, what does the tortoise replies? Is, are you leaving me alone here to die? So, the tortoise is asking a question that, are you leaving me here alone to die? आर क्या यू तुम लीविंग छोड़ रहे हो मी मुझे अलोन अकेला हेयर यहाँ टू डाई मरने के लिए. सो टॉर्टोइस पूछता है क्या तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ रहे हो मरने के लिए. क्रेन्स व्हाट एल्स कैन वी डू. सो क्रेन रिप्लाई इन एन आस्किंग मैनर दैट व्हाट एल्स कैन वी डू. We can't help it out. What, kya, else, or, can, we, do, hum kar sakte hain. Can yani, sakte hain, we, hum, do, kar. So, what else can we do? Hum aur kya kar sakte hain. The pond is drying now. So, they say that, what else can we do? As the pond is drying now, we can't help it out, we can't help you. The pond, talab, is, hai, drying, sukh raha, now, ab. To, cranes kehti hain, ki hum aur kuch nahi kar sakte, ye talab ab sukh raha hai. If we stay here, we will die of starvation. So, they add to it, that if we stay here, we have to die out of starvation. If we, hum, stay, rehte hain, here, yahan, we, hum, will
डाई मर जाएंगे ऑफ स्टार्वेशन, स्टार्वेशन यानी भूखमारी के कारण, भूखे रहने के कारण स्टार्वेशन होता है भूखमारी का शिकार। स्टार्वेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स भूखमारी का शिकार। सो हियर इट इज सेड, इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर हम यहाँ रुकेंगे इस पॉन्ड के पास तो हम भूख से ही मर जाएंगे। नाउ लेट अस सी व्हाट डज द टॉर्टोइस से, प्लीज सेव मी। नाउ टॉर्टोइस इज बेगिंग फॉर हिज लाइफ दैट प्लीज सेव मी, प्लीज कृपया सेव बचाओ मी मुझे। सो टॉर्टोइस उनसे प्रार्थना करता है कि कृपया करके मुझे बचा लो तुम लोग। टेक मी अलॉन्ग विथ यू, सो हियर ही एड्स टू हिज प्रेयर दैट काइंडली टेक मी अलॉन्ग टू, टेक मी अलॉन्ग विथ यू, टेक ले जाओ मी मुझे अलॉन्ग साथ, विथ यू तुम्हारे, तुम्हारे साथ मुझे ले चलो। सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर डन विद द पेज नंबर 187, सो नाउ वी शैल मूव टू द होमवर्क पार्ट। नोट डाउन योर होमवर्क फॉर टुडे, दैट इज क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 11 लेक्चर नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, देयर आर सम हार्ड वर्ड्स फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट वी रेड ऑफ चैप्टर नंबर 11। फर्स्ट वन इज चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी, जिसे बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है या उसकी आदत होती है बातें करना, दैट इज़ कॉल्ड चैटर बॉक्स, उसे चैटर बॉक्स कहा जाता है। वरीड, स्टूडेंट्स वरीड एक्चुअली पास्ट फॉर्म है वरी का, डब्ल्यू ओ डबल आर वाई, वरी जो होता है उसका पास्ट फॉर्म है वरीड, उसमें आई ई डी लग जाता है। सो वरी यानी चिंता करना, वरीड यानी चिंतित हैं। थर्ड डिस्कस्ड, डिस्कस्ड है चर्चा की, स्टूडेंट्स डिस्कस्ड भी पास्ट फॉर्म है डिस्कस का, डी आई एस सी यू डबल एस, डिस्कस यानी चर्चा करना, डिस्कस यानी चर्चा की। फोर्थ वर्ड है स्टार्वेशन, एस टी ए आर वी ए टी आई ओ एन, स्टार्वेशन, स्टार्वेशन का मतलब होता है भुखमारी का शिकार, स्टार्व यानी भूख से भूखा मरना और स्टार्वेशन का मतलब होता है भुखमारी का शिकार। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न एंड राइट दीज हार्ड वर्ड्स इन योर नोटबुक इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। नोट, सेंड योर डेली होमवर्क बिफोर 9 o'clock इन गुड हैंड राइटिंग ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर 7568074 58। नोट, डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568074 58 पर भेज देना है। स्टूडेंट्स आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।